हाय और जय मसीह की सबको। आइए हम अपनी गलातियों की शिक्षा में आगे बढ़े। तीसरा अध्याय उसका 19वां पद। आगे बढ़ने से पहले सवाल ये उठता है, अगर विश्वास के द्वारा हम प्रभु के वचनों को ग्रहण करते हैं, विश्वास ही के द्वारा हमने उद्धार पाया है, तो व्यवस्था का क्या लाभ है? ये क्यों जरूरी था कि मूसा व्यवस्था को लेकर आए लोगों के सामने? आइए हम 19वें पद में देखते हैं। लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे। ये कौन से वंश की बात कर रहा है? ये बीज की बात कर रहा है। कौन से बीज? मसीह यीशु के आने तक के लिए व्यवस्था दी गई, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। तो यहां पौलुस कारण बताता है कि व्यवस्था का आना जरूरी क्यों था, क्योंकि आदम के बाद जितनी पीढ़ियां आई मूसा तक, क्या आपको पता है उन्हें एहसास ही नहीं था अपनी गलतियों का। उन्हें पता ही नहीं था कि वो क्या सही करते हैं और क्या गलत कर रहे हैं। कुछ लोग थे, हनोक, अब्राहम, इजाक, याकूब, ऐसे कुछ लोग थे जो परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में थे। उन्हें पता था क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज को सुनते थे, पहचानते थे। और आप सोच सकते हो जितने लोग थे पृथ्वी भर में, जैसी भी जीवन शैली वो जी रहे थे, उन्हें पता नहीं था क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो पाप कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि ये पाप कर रहे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो परमेश्वर के हृदय को खेदित कर रहे, क्योंकि एहसास ही नहीं था, किसी ने उन्हें बताया ही नहीं। इसलिए 430 वर्ष बाद मूसा के द्वारा प्रभु ने व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, सामने लेकर आया कि लोगों को समझ आए क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए व्यवस्था का आना जरूरी था। जैसी व्यवस्था आया, लोगों को समझ आया क्या सही वो कर रहे हैं और क्या गलत है। और जैसी गलतियों का एहसास हुआ, शर्मिंदगी आई। जैसी शर्मिंदगी आई, दोषारोपण आया, और उनके हृदय में एक पुकार आई कि हमें छुटकारा चाहिए, कोई हमें छुड़ाओ अपनी गलतियों से, इस पाप से। मैंने क्या कहा, ये कब तक के लिए थी? जब तक वो बीज आने को था, मसीह यीशु तक। फिर आगे लिखा है, और ये व्यवस्था स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। पर 20 में लिखा है, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। मान लो आपका एक खाली प्लॉट है, आप कहीं दूर रहते हो, एक वर्ष तक आप उस प्लॉट में नहीं गए, एक वर्ष बाद जब आप आते हो, आपने देखा उस प्लॉट के पड़ोस में जो रहते हैं अपनी गाड़ियों को वहां खड़ी करते हैं, उन्होंने अपनी खेत को वहां बोने लग गए, खेती बाड़ी कर रहे हैं, उस प्लॉट को वो ऐसा उपयोग कर रहे हैं कि मानो वो उनका है, आपको कैसा लगेगा? हो सकता है उन्हें पता ही नहीं था कि वो प्लॉट आपका है। तो आप उनके पास गए, झगड़ा नहीं किया, आप सीधा कागज उनके पास लेकर गए, देखो ये प्लॉट मेरा है, ये मेरे नाम है, और ये जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, तुम यहां गाड़ी नहीं लगा सकते, तुम यहां खेतीबाड़ी नहीं कर सकते। और तब उनको एहसास होगा, ये जो हमने किया ये गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। आगे और कोई ऐसा ना करे, उसके लिए आप क्या करोगे? आप SDM ऑफिस जाओगे, मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, आप एक कागज पर उसकी मोहर और उसके साइन करवाओगे, आप ये लिखोगे, आगे से इस प्रॉपर्टी पर जो गाड़ी लगाएगा, जो कुछ करेगा, उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, आप गेट खोल के अंदर नहीं आ सकते, ऐसे 10 आज्ञाएं आप उस प्लॉट के बाहर लगा दोगे, और उस पर साइन होंगे किसी के, जिसके साइन होंगे वो है मध्यस्थ, वो है बिचौला। वही काम मूसा ने किया, परमेश्वर और लोगों के बीच वो मध्यस्थ बन गया। उसने एक कागज को तैयार किया जिसमें लिखा था, देखो इन सब को करोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारा नुकसान है, ये सही है ये गलत है। इसके कारण लोगों में गलतियों का एहसास आया। जब गलतियों का एहसास बढ़ने लगा, तो उनके अंदर से एक पुकार आई, हमें छुड़ाओ,
हमें इन गलतियों से, इस दोषारोपण से, इस गंदगी से छुड़ाओ, कोई हमारा उद्धार करो। जब उद्धारकर्ता की पुकार हुई, सही समय पर मसीह यीशु इस पृथ्वी पर आए, उद्धारकर्ता का रूप लेकर, मनुष्य रूप धारण करके, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। इसी कारण मनुष्य का पुत्र आया, और जब हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, हमने छुटकारा पाया, हम पापों से मुक्त हुए और हम आजाद हो गए। हमने क्या किया? बस विश्वास। पर जिससे पहले हम उद्धार पा सके, ये जरूरी था कि मैं और आप समझ जाएं हम गलती पे थे। ये जरूरी था कि मैं खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में एहसास करूं कि मैं गलत कर रहा हूं, ये पाप है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नशा, ये गंदगी, इससे मुझे दूर होना है। जब मुझे एहसास हुआ, मैंने छुटकारे की पुकार की, और तब मुझे छुटकारे देने वाले के बारे में पता लगा, और मैंने उस पर विश्वास किया। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्होंने नया जीवन प्राप्त किया। यहीं और यही है जो पौलुस हमें समझाना चाह रहा है, कि व्यवस्था का आना जरूरी था ताकि हमें एहसास हो अपनी गलतियों का, पर सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। उस विश्वास के द्वारा हम उद्धार पा चुके हैं। तो कृपया उन व्यवस्थाओं में, उस कर्मों पर ध्यान देना बंद करो कि मुझे कुछ करके प्रभु से कुछ पाना है। मसीह में मैं वो सब कुछ पा चुका हूं, मुझे विश्वास करना है। तो क्यों ना आज हम 20वें पद पर समाप्त करें। मुझे उम्मीद है आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नया समझा है। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। बाय।